चिंगी, उंगली हटा ले। वो आकाशदीप साइकिल ने उंगली किया था, उसका हालत देखा ना क्या हुआ। ये एंटरटेन करना, तेरी चुगली चपाटी सब खत्म हो गई क्या? नहीं बहन जी, चुगली तो मुझे बड़ी जोर से आई है। अर्चना बहन जी के बारे में चुगली करूं? अरे पूछती क्या है, करना है। अर्चना बहन जी जो हंसती है ना, आजकल बिकना शुरू होगी इनकी हंसी। क्या बोलती रे? ऑटो में बैठी, ऑटो वाला कहता 70 रुपए, कहती 50 दूंगी, कहता कोई बात नहीं बहन जी बैठ जाओ, 20 रुपए का हंस के दिखा देना। ये चिकना चिकना है ना ये। ओ, आजकल मॉडलिंग करता है। किसकी रे? गुप्त दवाखाने की। क्या बोलती है? हाँ, ऐसे फोटो लगी होती, नीचे लिखा होता है जवानी फिर से हासिल करें सिर्फ 7 दिनों में। ये ना ये गोलू बोलू, ये भी मॉडलिंग करता है पर सिर्फ खाने पीने की। हाँ दिखते हैं दिखते हैं। हाँ देख लो, खा खा के कितना बड़ा मुंह कर लिया। इसके बारे में कुछ बोलना। किसके बारे में? ये रे। नाम ले नाम। अरे नाम नहीं लेने का रे, पाप चढ़ जाएगा, तू समझ ना। ओहो, शकील के बारे में करनी है। हाँ, वही वही। जब ब्रेक होती है ना तो वैनिटी वैन में बैठ के ना चोरी चोरी ग्रह शोभा पड़ता है। क्या बोलती है? हाँ, और पेज भी पता कौन सा पड़ता है? कहाँ से कहूँ, हाय मैं शर्म से लाल हुई, व्यक्तिगत समस्याएं। हाँ, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के जाता है। हाँ, एक्सरसाइज करने का होगा ना। नहीं नहीं, गंदी फिल्मों के पोस्टर देखने। इसमें मेरे को पहले से ही शक था। हाँ? अरे छोड़ ना, अपने वाले को पंचायत करने का, तू अपने बारे में कुछ बता ना। मैं ना फिल्म लाइन में आने से पहले ना बहन जी सीधा ना ऑफिस लाइन में थी, पता मैंने ना वहां पर बॉस को पटा लिया। चलो बॉस को पटा लिया, चलो। क्या शादी बनाया कि नहीं? नहीं नहीं, एन शादी की रात पे। 1 2 3 4 क्या हुआ शादी की रात? क्या हुआ एन शादी की रात पे? उसकी बीवी 3-3 बच्चे लेके आ गई। तेरी। मेरा घर बर्बाद करके रख दिया। बताओ भला, औरत ही औरत की दुश्मन है। सही बोली रे तू। हाँ। अभी मेरे साथ पिछले दिनों बहुत सॉलिड झोल हो गया रे। क्या हुआ पेंजी? वो है ना बंटी चिकना। हाय, मेरा दिल करता मैं उसे ठा के ले जाऊं। ये मेरे साथ पॉलिटिक्स किया वो। हो। प्यार में बदनाम किया आप उनको। वहाँ मैं आउटडोर में गई थी। हाँ। वहाँ सबके सामने दो दो बार। 1 2 3 4 बहन जी दो दो बार क्या किया? वो झगड़ा किया। ओए होए होए सबके सामने। अच्छा 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 अच्छा। अभी अब वो नहीं है तो क्या हो गया? अब उनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? बहन जी इज्जत की खातिर मैंने मलका शरावत को छोड़ दिया। पहले मैं ना उसका पर्सनल मेकअप करती थी, मैंने कह दिया कि मैंने कहा भी अगर तुमने हाशमी पाजी के साथ फिल्में करनी है ना तो मैंने तेरा मेकअप ही नहीं करना। मैं 4-4 बार लिपस्टिक लगाती थी, वो आके चाट जाता था। एक बात बताऊं? 1 2 3 4 तेरे को पता है करीना ने शाहिद को क्यों छोड़ा? नहीं रे। छोटा है 2 साल। अच्छा। तेरे को सब मालूम है रे। चालू है तू, बहुत चालू है, बहुत चालू है। वो एक मिनट, मैं तुझे पेंजी पेंजी कही जा रही हूँ, तू मुझे चालू चालू कही जा रही है। मजाक में बोला रे, भड़कती कहीं को है। ए, मजाक है, तू मुझे धक्के मार रही है। धक्का किधर मारा, खाली ऐसा किया। ओए मैं तुझे बताऊं मैं। 1 2 3 4 मैं तुझे बताऊं, मेरे साथ पंगे मत लिया कर, मैं बड़ी मनहूस औरत हूं। भगवान करे तू स्कर्ट पहन के आए, हवा भी चले, स्कर्ट भी उड़े, पर देखने के लिए कोई मर्द ना हो। नास्पिटी। हाँ? भगवान करे ना तू कभी विधवाच नहीं होए। हो। तू इनको एक मर्द के साथ पूरी जिंदगी बिटानी पड़े। एक ही मर्द के साथ कितनी गंदी गंदी बातें करती है तू। दर फटे मुत तेरा। तू 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 तू
तू सुहाग रात के दिन तेरा हाथ बिजली की सॉकेट में आ जाए, तू हस्बैंड पे गिरे उसकी यादाश्त चली जाए, वो तुझे भैन भैन कह दे, तेरे अपने बच्चे तुझे भुआ भुआ कह दे, तेरी लड़ाई अर्चना पूरन सिंह के साथ हो जाए, मार मार ठाके तेरा मुंह सजा दे, हाँ मैं हाय रब्बा, या इसको उठा ले या इसके हस्बैंड को विधवा कर दे। अब बोल। बोलो। हाँ तेरे मुंह शकील लग जाए। हाय मैं मर गई। मेरी सारी जिंदगी प्यासी गुजर गई, मगर आज के बाद मैं प्यासा नहीं रहूंगा। ये मेरी पहली शादी तो नहीं, मगर पहले की दो शादियों में मैं सुहाग रात के सुख से महरूम रह गया था। मेरी पहली बीवी हवा में उड़ने वाली एक एरोस्टिस थी। उस रात को जनू कितनी खूबसूरत रात है, आओ ना प्यार की शुरुआत करें। सेट एयरवेज की उड़ान संख्या 101 में आपका स्वागत है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, पैसेंजर नहीं। आओ इस प्यार की उड़ान को शुरू करें। ये उड़ान मुंबई से दिल्ली जाएगी। कृपया अपनी कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अरे क्या कह रही हो जान, प्यार की बात नहीं करोगी जानू तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं नशा करूंगा, शराब पीऊंगा। भारत सरकार नियम अनुसार विमान में धूम्रपान करना एवं मदिरा पीना निषेध है। तो मैं बाहर जाके ठर्रा पीऊंगा, मैं जा रहा हूँ। आशा है आपका अनुभव सुखद रहा होगा और आप हमें दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे। जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, मगर तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए। खुदा हाफिज। नमस्कार। और फिर मैं प्यासा रह गया, लेकिन पहली तलाक के बाद मैंने कर ली दूसरी शादी, और इस बार मेरी शादी हुई एक नर्स से। जानू इजाजत हो तो तुम्हारा घूंघट उठा लूं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, मेरे बाद किसी और ने भी घूंघट उठाना है? अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है जान, सबको पता है मेरी ही बारी है। हाथ दिखाओ, हाथ। हाथ की बारी। नर्स तो ठीक है, बीपी चेक कराया? बीपी तो मेरा पिछली बारी से हाई है, आज सेट होने की उम्मीद है। क्या तकलीफ है? तकलीफ वही है जो रांझे को थी, फरहाद को थी, मजनू को थी, और इमरान हाशमी को है। बहुत कुजली है। ये बीमारी कब से है? जब से जवान हूँ तब से। इसका इलाज कराया? प्राइवेट तो बहुत दिखाया, सरकारी हॉस्पिटल में आ जाया हूँ। मुँह खोलो। पारी आई। तुम अपना भी तो खोलो। तुम्हारी जबान खराब है। सही कह रही हो, जबान खराब है, जल्दी कुछ करो वरना तल्लाक का लफ्ज जल्दी निकल जाता है। ऐसा क्या? तो मैं एक काम करती, मैं तुमको इंजेक्शन लगाऊंगी। क्या कह रही हो बेगम? ए, बेगम तेरी अम्मा, सिस्टर बोलो। ओ सिस्टर, मैं हूँ तेरा मिस्टर, मैं तप रहा हूँ, कुछ कर। आंख बंद कर। और इस तरह मैं फिर प्यासा रह गया। मैंने कर ली तीसरी शादी, और मुझे पूरा यकीन है कि आज मैं अपनी सुहाग रात मनाने में कामयाब रहूंगा, क्योंकि मेरी ये वाली बीवी खूबसूरत है, काबिल है, ज़हीन है, क्योंकि वो एक टेलीविज़न शो की होस्ट है। जानू किधर बांट रही हो? इधर पैसा हमारा उधर कंटेस्टेंट। अगला यानी मेरे से पहले भी कोई परफॉर्म करके गया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। अभी तालियां ना बजवाओ, पता नहीं मेरी परफॉर्मेंस तालियों वाली हो या नहीं।